हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस टेक पर। बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसे वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल रिपोर्ट के बारे में। देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोन लेना चाहते हैं, या आपने पहले से ही लोन ले रखा है, फिर से आपको जो है दूसरे लोन की डिमांड है, तो आज के वक्त में जो है बैंक का जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो वो आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करती है और उसके आधार पर ही वो डिसीजन लेती है कि जो है आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस रिपोर्ट में ऐसा क्या होता है जो बैंक डिसीजन लेती है कि वो आपको लोन देगी या नहीं देगी, तो इसी वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिबिल क्या है। देखिए, सिबिल एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल क्या करती है, सभी बैंकों के पास से, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे फाइनेंस कंपनी हो, उन सब के पास से जो है ग्राहकों का डाटा अपने पास लेती है, यानी कि उनसे जो है डाटा मांग लेती है, क्योंकि वो उसके मेंबर हैं। सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियां जो है सिबिल कंपनी के मेंबर हैं। वो जो है आगे होकर जो है वो ग्राहक का डाटा सिबिल कंपनी को देते हैं और सिबिल कंपनी अपने पास उसके सर्वर में उसको स्टोर करके रखती है। अब होता है क्या है, वो डाटा कब काम आता है, जब अगर आप कोई भी ग्राहक जब बैंक से लोन लेने जाता है या फाइनेंस कंपनी के पास लोन लेने जाता है, तो फाइनेंस कंपनी या बैंक सबसे पहले उस कस्टमर का जो है सिबिल रिपोर्ट चेक करेंगे। तो वो जो सिबिल रिपोर्ट के जो सर्वर होता है सिबिल कंपनी का, वहाँ से जो है आपका डाटा डालेंगे, आपका जो भी डिटेल होता है, पर्सनल डिटेल, आपके जो आईडी प्रूफ्स हैं, वो सब डिटेल डालेंगे, तो वहाँ पर जो है आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट होता है और उस सिबिल रिपोर्ट में आपका पूरा जो है क्रेडिट हिस्ट्री होता है। यानी कि आपने अगर आज से पहले कभी भी कोई किसी भी बैंक से लोन लिया है या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, तो आपका वो लोन उस रिपोर्ट में दिखाता है। तो इस तरीके से मतलब, और अगर आपने लोन नहीं लिया है तो भी आपका वहां दिखाएगा कि आपने भविष्य में पहले कोई लोन नहीं लिया है। तो इस तरीके से बैंक उस रिपोर्ट को देखती है और डिसाइड करती है कि वो अब आपको जो है आगे लोन दे या ना दे। अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तब तो जो है आपका जो वहां पर सिबिल का स्कोर आता है, स्कोर क्या, सिबिल में स्कोर होता है, सिबिल रिपोर्ट का स्कोर जनरली 300 से लेकर 900 का होता है। तो जिन्होंने तो कभी भी पहले लोन लिया है उसका स्कोर 300 से 900 के बीच होगा, लेकिन जिसने कभी भी लोन नहीं लिया है उसका स्कोर 0 आएगा या -1 आएगा। तो मतलब इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने कभी भी किसी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन नहीं लिया है, तो बैंक जो है उस पर विचार कर सकता है उसको लोन देने के लिए उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करके। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पहले ही किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है और उसका लोन चल रहा है, लेकिन फिर वो दूसरी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाहता है, तो जब बैंक उसका जो है सिबिल रिपोर्ट चेक करेगी, अगर उस रिपोर्ट में उसका लोन दिखाई देता है, अगर मान लो वो रिपोर्ट में उसका लोन बिल्कुल वो टाइमली ईएमआई पे कर रहा है हर महीने के महीने टाइम से, तो इसका स्कोर जो है बहुत अच्छा होगा और अच्छा स्कोर जो होता है वो 700 से लेके 900 के बीच माना जाता है। यानी अगर आप रेगुलर ईएमआई पे कर रहे होंगे तो आपका सिबिल स्कोर है जो 700 से लेके 900 के बीच में होगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पर थोड़ा भी मतलब लापरवाही बरती होगी, आपने अपने ईएमआई को सीरियसली नहीं भरा होगा, तो आपका जो स्कोर है 700 से नीचे आएगा और वहाँ पर लिखा भी होगा कि आपने कितने दिनों तक जो है ईएमआई पे नहीं किया था, 30 दिन, 60 दिन, इस तरीके से। तो बैंक वहाँ पर आपका जो है वहाँ पता लगाती है कि आपका नेचर क्या है, आप जो लोन लेने के प्रति कितना सीरियस है और आप उसकी ईएमआई कितना टाइम से पे करते हैं। तो बैंक वहीं डिसाइड कर लेती है, जो पहला स्टेप होता है बैंक का वो आपके उसको डिसाइड कर लेती है रिपोर्ट को देखकर कि इस व्यक्ति को लोन देना है कि नहीं देना है। तो मेरा पर्सनली जो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज के आप जब भी कोई चाहे छोटा ही लोन क्या ना लें, चाहे 50,000 का, 1,00,000 रुपए का, आप उस लोन को अच्छे से भरें। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो कभी भी जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू नहीं करें, मतलब टाइमली उसको पे कर दें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मिनिमम अमाउंट जो उसमें बिल में आता है वो तो पे कर ही दें, ताकि जो है आपका सिबिल रिपोर्ट खराब ना हो, क्योंकि आज के वक्त में ही सिबिल रिपोर्ट ही एक ऐसा हथियार है बैंक के पास जिसके बेस पर ही वो डिसाइड करता है कि इस कस्टमर को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। यानी कि वो प्राइमरी स्टेज है जहां पर ही बैंक डिसाइड कर लेता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सिबिल रिपोर्ट का। ऐसे तो सिबिल के अलावा और भी कंपनियां हैं, जैसे इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है,
तो ये दोनों कंपनियां भी जो है आपका क्रेडिट स्कोर बताती है, लेकिन जो फेमस कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो सिबिल ही है। इसलिए जनरली जो सारे बैंक या फाइनेंस कंपनियां हैं वो सिबिल रिपोर्ट ही निकालती है। आजकल आपने देखा होगा, आपको कभी मैसेज भी आता होगा, SMS भी आता होगा, या फिर आपके पास ईमेल है तो ईमेल आईडी पर भी मेल आते होंगे कि आप अपना फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए। तो वो जो जैसे पैसा बाजार है या बैंक बाजार है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो वो बोलती है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लीजिए, तो वो कभी भी सिबिल स्कोर नहीं बताती है। उनका जो है दूसरी कंपनियों से टाइप होता है, जैसे एक्सपीरियन हो, इक्विफैक्स हो, उन कंपनियों के साथ टाइप होता है। तो उन कंपनियों के पास है जो इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, उनके पास सिबिल के बराबर डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनका रिपोर्ट इतना ऑथेंटिक नहीं होता है। उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन सिबिल की रिपोर्ट है वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। उसमें जो हिस्ट्री दिखाता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, इसलिए बैंकों का भरोसा है वो सिबिल रिपोर्ट पर ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सिबिल रिपोर्ट अगर आप अपनी देखना चाहते हैं बैंक में लोन लेने से पहले, तो सिबिल का एक वेबसाइट है, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जो है आपको अपना बेसिक डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह, आपका एक आईडी प्रूफ वगैरह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सिंपली। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको वहाँ पर एक पेमेंट करना पड़ेगा, वो शायद 500 के आसपास है। वो अगर आप ATM के द्वारा भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ही होता है, तो फिर आप जो है अपना सिबिल रिपोर्ट वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पता लग सकता है कि आपका स्कोर कितना है, आपने जो लोन लिए हैं उनकी हिस्ट्री क्या बता रहा है। और अगर मान लो बहुत सारे कस्टमरों की ऐसी कंप्लेंट होती है कि उन्होंने कभी भविष्य में लोन नहीं लिया, फिर भी उनके सिबिल रिपोर्ट में लोन दिखा रहा होता है, तो वो सब जो है उन सब चीज़ों को आपको करेक्ट करवाना होता है। तो उसका प्रोसेस एक अलग है, उसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिबिल रिपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी जो है अपना ये क्रेडिट हिस्ट्री, यानी जब भी आप लोन लें और सब करें, तो उसको अच्छे से पे करें और अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी टाइम से पे करें, जिससे जो है आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो और बैंक जो है आपको लोन देने में कोई भी परेशानी ना खड़ी करे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, जो आज का ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई भी और भी ज़्यादा अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।